सुप्रभात जैन साहब, बताएं आज कौन सा हीरा ढूंढ के लाए? बिल्कुल, नाहर पॉलीफिल्म्स। देखिए, पॉलीफिल्म्स वाले स्टॉक्स गजब कर रहे हैं और आपने भी रेकमेंड किया हुआ है। पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स हमने भी रेकमेंड किया हुआ है, मैंने भी जैन साहब के जेम्स में भी दिया और जनरल दूसरे सेगमेंट्स में भी बात की है और नाहर पॉलीफिल्म्स की भी पहले बात की हुई है और आज भी वापस से लाने का रीजन ये है कि बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। सेप्टेम्बर के क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद और कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है और फिर जिस तरीके की पेडिग्री है ग्रुप की, कंपनी की, उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। जैसे ओडब्ल्यूएम ग्रुप के नाम से ये कंपनी ज्यादा जानी जाती है, नाहर ग्रुप के बहुत सारी दूसरे कंपनीज भी है जैसे कि मोंटे कार्लो की आज बात हो रही थी। आशीष जी ने आज अपने टॉप पिक पे मोंटे कार्लो को दिया था तो मोंटे कार्लो भी पहले रेकमेंड किया हुआ मैंने और पूरा ग्रुप जेएल ओसवाल ग्रुप है जो कि नाहर एक्सपोर्ट्स से ये कंपनी बेसिकली एक अरेंजमेंट से ये निकली भी है और नाहर स्पिनिंग का नाम हम जानते ही हैं, फिर मोंटे कार्लो फैशंस का नाम जानते हैं और ओसवाल वुलन मिल्स ओडब्ल्यूएम का जो शॉर्ट फॉर्म है। और अब नाहर पॉलीफिल्म्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंडामेंटल्स है, बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, सिर्फ 8 के पी मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। अपना प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मल्टीपल देखें तो 316 का बुक वैल्यू और उसके सामने 248-250 की सीएमपी होगी और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बढ़िया रहे हैं, 20% के नेट प्रॉफिट मार्जिन और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर 76% की। तो इस तरीके से इन कंपनियों ने ग्रो किया, ये पर्टिकुलरली इस कंपनी के लिए पूरे पॉलीफिल्म्स जो सेगमेंट है, ये पूरा इंडस्ट्रियल ये पैकेजिंग जो सेगमेंट है यही बहुत बढ़िया कर रही है। और मैं इसके अगर रिजल्ट्स की, अगर सितंबर के रिजल्ट्स की बात करूं तो पिछले सितंबर में 16 करोड़ के पैट के सामने इस बार सितंबर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने दिया हुआ है 23 करोड़। तो पिछले 4 क्वार्टर से अगर देखें तो टीटीएम बेसिस पे 75 करोड़ का पैट और 600 करोड़ की कंपनी है, 75 करोड़ का पैट है तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये। और 70% का प्रमोटर की शेयर होल्डिंग तो ही है, कुछ कुछ अब FIIs भी थोड़े थोड़ा शेयर होल्डिंग बढ़ाने लगे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं FII DIIs का, बट जो आगाज हुई है इस सितंबर क्वार्टर में उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। रेटिंग्स को मैं देख रहा था तो रिसेंटली जब मैं लास्ट टाइम रेकमेंड किया था जून में तब रेटिंग्स भी अपग्रेड हुई थी दिसंबर में इनकी, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी एंट्री लिए हैं लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले आराम से और 290 का पहला टारगेट और 320 का जैसा मैंने कहा कि ऊपर के लेवल्स दिखा के अभी करेक्टेड है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप जब करेक्ट किया तो ये स्टॉक्स भी करेक्ट किए हैं और अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया था तो मुझे लगा कि इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स पे एंट्री ले। डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत ज्यादा इस स्टॉक में वैसे लगती नहीं है क्योंकि 250-60 एक जो रेंज है वहां पे कंसोलिडेशन है तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को ले इन लेवल्स पे 290 और 300 के टारगेट के। ओके, 290 और 320 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है नाहर पॉली, ये है जैन साहब की पसंद। नजर रखे इस काउंटर पर भी, एक्शन इस पर आते हुए दिखेगा। थोड़ी गिरावट और निफ्टी में अब 100 पॉइंट्स फिसलकर 17900 के करीब।